केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया है। इसके तहत भारतमाला परियोजना के तहत आम बजट में वाराणसी से कोलकाता के लिए नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इससे वाराणसी और कोलकाता जैसे दो बड़े महानगरों के बीच की जर्नी कम समय में संभव हो सकेगी। वाराणसी से कोलकाता के बीच करीब 600 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो झारखंड से कई जिलों से गुजरेगा। इस 8 लेन के एक्सप्रेसवे के बनने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी महज 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश से चंदौली होते हुए बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। काशी कोलकाता नए एक्सप्रेसवे से चंदौली, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो, रांची, पुरुलिया का सीधा संपर्क हो जाएगा। बिहार से होकर पटना, कोलकाता और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। भारतमाला परियोजना का एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 575 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर से अधिक होगी। इसे बनाने का उद्देश्य देश की दो बौद्धिक और कभी आर्थिक राजधानी रहे काशी और कोलकाता सीधे जोड़ना है। दो महानगरों के बीच वाया रांची से बनने वाले एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कच्छा नर्सरी से 10वीं तक बच्चों को एडमिशन कराएं और 5 मार्च तक निशुल्क रहने, खाने तथा शिक्षा के साथ नवोदय, नेतरहाट सैनिक स्कूल तथा CHS की तैयारी।